महल उस वक्त लोगों को धोखा दिया है जब त्राहिमाम मचा हुआ था दिल्ली में, जब दवाइयों की कमी थी, जब अस्पताल चरमराया हुआ था, तब वो वियतनाम से पत्थर मंगा के अपने घर को साज सज्जा करा रहा था। तो आप ये समझ लें कि दिल्ली को धोखा अगर किसी ने दिया है उसका नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। मार्बल मंगवाने के लिए इनके पास पैसे था, सरकार को ना किसी जनता को मारा केजरीवाल ने। अगर दवाइयां उस टाइम होती तो लोग नहीं मरते। केजरीवाल पे 300 धोखा नहीं, जिंदगी भर तक जेल में रहना चाहिए, उम्र कैद से बड़ी फांसी मिलनी चाहिए। दवाइयां नहीं दी और ये व्यक्ति अपने लिए शीश महल बना रहा था। अरे भैया 2013 में आपकी सरकार थी, जर्जर हालत में थे, तो 2019 मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया को केजरीवाल के घर जाने दिया जाए और वो देख के बताए कि 8 लाख रुपए का पर्दा कैसा होता है, 8 लाख रुपए का पर्दा किस तरीके का होता है, ये मीडिया को पता लगे। आम आदमी पार्टी के नाम ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर वजूद में आई, इसका मकसद क्या था कि आम आदमी की चिंता करना है, लेकिन केजरीवाल ने अपनी चिंता करी और इतने 45 करोड़ रुपए सिर्फ अपने आराम के लिए लगाया गया। जब ये सरकार आई थी इसने कहा था कि हम ना बंगला लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम सुरक्षा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनने सब चीजें ली और 45 करोड़ रुपए कहाँ है। मीडिया वहां पर जाके देखना चाहिए मीडिया को कि कितने हैं 45। अगर ये ईमानदार है तो क्यों नहीं मीडिया को जाने देता, क्यों नहीं हमें जाने देता शीश महल देखने के लिए अपना। केजरीवाल जो कि लोकपाल के बहाने दिल्ली की का शासक बन बैठा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा, जो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े बड़े वादे करता था, आज आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 45 करोड़ का उसे सिर्फ अपने घर में रिन्यूसिंग के लिए लगा दिए, जिसमें से 11.5 करोड़ इंटीरियर डिजाइनर को पे किए हैं और 23 पर्दे, स्विमिंग पूल, ये कोई एक जो है बिना भ्रष्टाचार के ये पैसा कैसे आ गया? ये 45 करोड़ किसी स्कूल में लग सकता था, ये 45 करोड़ किसी अस्पताल में लग सकता था, लेकिन 45 करोड़ का हिसाब उनको देना होगा। 45 करोड़ के हिसाब के लिए जब तक हमारा हिसाब नहीं होगा, जब तक वो पब्लिक में आके नहीं माफी मांगेंगे, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा, हमारा संघर्ष रोड पे होता रहेगा। केजरीवाल केजरीवाल
शीश महल बना रहा था, तो मेरा मीडिया से भी अनुरोध है कृपया हमारे साथ केजरीवाल के रिलेटिव से चले और हम देखे कैसा निकम्मा नकारा आदमी, कैसा शीश महल बनाया, कैसी किचन बनाई इसने, कैसे पुर्जे मंगाए। देश में बात हो रही है लोकल फॉर वोकल की, ये विदेश में भेज रहा है हम टैक्स पेयर का पैसा। हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते, ईमानदारी से टैक्स देते हैं। केजरीवाल जी के घर पहुंच चुके हैं, हमको इधर रोक दिया गया है, तो बहुत साथी पहुंच रहे हैं लोग। हम लोग भी प्रयास करेंगे उनके घर जाकर देखने का कि 7 लाख रुपए के पर्दे कैसे होते हैं, एक पर्दा 7 लाख रुपए में कैसे आ सकता है, इसको जानने के लिए आज हम आए। और मीडिया को भी हम ये बताना चाहते हैं कि वो भी देखें। जो आदमी कोविड महा वो बंगला नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। उन्होंने अपने इस आलिशान शीश महल के अंदर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। सवाल रुपए खर्च करने का नहीं है, सवाल यह है जिसने ये कहा था मेरा हर एमएलए एमपी और मैं 2 कमरे के मैं फ्लैट में रहूंगा, वो इतने आलिशान मकान में टैक्स पेयर्स के मनी से 44 करोड़ रुपया खर्च करके रहता है तो दिल्ली की जनता को तकलीफ रहती है। इस समय ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के सब नेता भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। सिसोदिया जी पे चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, सतेंद्र जैन पहले से जेल में बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल के रोज नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, और अब ये जो बंगला यहाँ पर है उसको इन्होंने इसीलिए लिया ताकि चुपचाप इसके ऊपर टैक्स पेयर्स के मनी को वो खर्च करते रहें। तो इसलिए केजरीवाल जी को यहाँ रहने का हक नहीं है। टाइम से है कि ये तो सरकारी आवास है, कोई निजी आवास पे खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने क्या कहा था, सरकारी निवास नहीं लूंगा? उन्होंने क्या कहा था, लूंगा तो 2 कमरे का फ्लैट लूंगा? उन्होंने ये कहा था क्या कि एक बंगला लूंगा और उसके बाद उस पर 44 करोड़ खर्च करूंगा? वो आए और कह दे, सरकारी आवास का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। देखने जा रहे हैं अभी ये सब लोग पहुंचेंगे, अभी इनकी योजना है। क्या लगता है क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टाइम्स नाउ के खबर पे आप, टाइम्स नाउ को ही एंट्री नहीं दी जा रही सीएम के आवास के आसपास और पार्टी का ऑफिस में? टाइम्स नाउ ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जो लोग अपने आप को अन्ना हजारे के साथ बैठकर ये कहा करते थे कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह हम रहेंगे, बंगला सिक्योरिटी गाड़ी नहीं लेंगे, उनका आज पर्दाफाश हो गया है कि किस तरीके से एक आम आदमी ने टैक्स पेयर्स मनी से 44 करोड़ रुपया छत ठीक करने के लिए नहीं, पर्दे के लिए, कालीनों के लिए, सोफे के लिए, इंटीरियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए खर्च किए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा से पूछा जाए कि पीएम के लिए क्या क्या खर्चा होता है, कैसे जवाब देंगे इस चीज का? क्या आप जानते हैं देश भर में किसी ने ये घोषणा की थी क्या कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा? तो फिर क्यों लिया इसका वो जवाब देते हैं बस। क्या मांग रहे हैं? पानी लेके आए बेटा, गाड़ी में से पानी लाओ, पानी ले, गाड़ी में से पानी लाओ। एक बोतल के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? लारा भाई साहब आ रहा है, लारा भाई साहब। देखिए जितना भ्रष्टाचार 8 साल के अंदर निकलकर सामने आ रहा है जी, और अब व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर उन्होंने जिस तरह से खर्चा किया है, केजरीवाल जी को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको चाहिए कि तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब जबकि आम आदमी पार्टी के 2 नेता पहले जेल में बैठे हैं, बाकी की तैयारी हो रही है, तो चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो होमगार्ड की नियुक्तियां हो, कोई ऐसा मद नहीं है जिसके अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो जाए। बात करने का बहुत शुक्रिया। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। आम आदमी का लगातार आप सरकार बीजेपी को एक्यूज कर रहती है और आप जो है उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने घर पे लगाए, तो आपका हाथी के दांत हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। अन्ना हजारे के समय में जब उन्होंने आंदोलन किया था तो उन्होंने ये कहा था केवल मैं ही नहीं, मेरा कोई एमपी एमएलए बंगला गाड़ी सिक्योरिटी नहीं लेगा,
किंतु आज आप देख रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और अब तो पता चला है सिक्योरिटी के नाम पे भी सैकड़ों लोग पंजाब और दिल्ली पुलिस उनके उन्होंने रख रखे हैं और अभी बंगले के ऊपर जो 44 करोड़ रुपया खर्च किया है वो पर्दे के ऊपर कालीन के ऊपर फर्नीचर के ऊपर किया है। तो जो लोग कहते थे हम सिक्योरिटी बंगला गाड़ी नहीं लेंगे वो ऐसा जो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और हैं। केजरीवाल को अपने पद पे 2 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है जितना भ्रष्टाचार पूरी आम आदमी पार्टी का और खुद मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है। चोर है केजरीवाल, चोर है केजरीवाल, चोर है केजरीवाल, चोर है। सामने से इनके इनके साथ सा जाइए। चलो 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 पब्लिक परेशान थी। केजरीवाल आप उस साइड जाओ ना, आपका जरा कोई काम नहीं है, इन्हें निकाल दो, इनको करना था। चोर है भाई चोर, इनको बाहर निकाल दो, जाने दो जाने दो, मुझे जाओ इनको निकालने के लिए पड़ रहा है।